हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बीफ मसाला है जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम आधा कप तेल गरम कर लेंगे। इसमें थोड़े खड़े मसाले ऐड करेंगे, दालचीनी, दो लौंग, इलायची और दो कटी हुई स्लाइस प्याज ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लूंगी। इसमें से अच्छी खुशबू आने तक इसको फ्राई कर लें। एक से दो मिनट के बाद इसमें एक टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करके इसको भी भून लेंगे। इसे अच्छा कलर भी आएगा। अब हम इसमें आधा केजी बोनलेस अंडरकट बीफ ऐड कर लेंगे। अगर आप विद बोन बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में बना लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गोश्त में से पानी रिलीज होगा, लगभग 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। इसको ढक के पानी सूखने तक पका लें। देखिए 10 मिनट के बाद इसमें पानी भी सूख गया है और साइड से तेल भी छूटने लगा है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है सभी मसालों के साथ। अब मैं इसमें दो कटे हुए टमाटर भी ऐड कर लूँगी और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब दो टेबलस्पून दही ऐड कर लेंगे। इसमें दही से भी पानी रिलीज होता है। इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। टमाटर और दही अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें 100 ml के करीब पानी ऐड कर लूँगी। इसकी ग्रेवी को सेमी थिक ही रखा जाता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। इसको ढक के 15 मिनट के लिए धीमी आँच पर टेंडर होने तक पका लेंगे। गोश्त अच्छे से गल गया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसको धनिया पत्ती, नींबू और हरी मिर्च के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।